अस्सलाम वालेकुम जी। आपका भाई उठ चुका है। तो आज प्रोग्राम है हलवा पूरी खाने का। तो मैंने अपने भाई से कहा आज हलवा पूरी खा ली जाए ताजमहल से। तो अब मैं जा रहा हूँ वहाँ पर, देखता हूँ कि उसका टेस्ट वो ही है या चेंज हो गया जो आज से 15-20 साल पहले मैं खाता था। तो देखते हैं वहाँ पर जाकर कैसा टेस्ट है, फिर आपको बताता हूँ उसके टेस्ट का और उसके मीयार क्या रहा है। चलें जी, ठीक है, चलते हैं फिर। ये देखिए, ये है लाहौर का शाही किला। इसके बाहर से गुजर रहा हूँ मैं। अगर शाही किला दर्शन कर मैं जरूर जाऊंगा। ये इसका ज्यादा होने की वजह से मैं दूसरा कंफर्टेबल से ज्यादा बहुत ज्यादा देर तक पैदल पर जाना पड़ता है। तो जितनी बाइक लगी है वो कंफर्टेबल है। तो बस पास पास में यहाँ से मैं ब्रेकफास्ट करना थी। तो मैं पहुंच चुका हूँ नाश्ते में क्या क्या है, मैं देखना आपको बताना चाहूंगा। इससे पता लगता है कि लाहौर लाहौर है। ब्रेकफास्ट आ चुका है। ये है चने, आलू और चने की तरकारी के साथ सलाद है। ये पूड़ियाँ हैं और ये हलवा और पूड़ा मिक्स है। और टिक्की भी ऑर्डर किया मैंने चिकन की, क्योंकि मैंने सोचा कि वो ठीक रहेगी। ये देखिए ये टिक्की भी आ गई। अब इसको खा के देखते हैं, बताता हूँ कैसा है इनका टेस्ट, वो ये चेंज हो चुका है। तो देखते हैं टेस्ट में। ले ये बाबा भाई जो सर आपको खा के बताता है जरा क्या इसका तरीकेकार है खाने का। बहुत मज़ेदार, थोड़े से स्पाइसी है जो के नाम से इंसान खा सकता है। और पूरी भी मज़ेदार है, गर्म गर्म है। मैं क्या घर में लाऊंगा ठंडी हो जाएगी, तो बेहतर है इसको वहां पर जाकर गर्म गर्म ही इंजॉय किए। तो अब ये थोड़ा सा जरा हलवा टेस्ट किया जाए। हेलो भाई, हेलो। हाँ, बहुत आ काम में से भी कोई अगर बाहर से आता है, बाहर से आते हैं लाहौर में खाने के नाश्ते अगर कहीं पर जाए तो कुछ शिक्षा वहाँ पर बैठ के खाए, उसको ज़्यादा इंजॉय किया जा सकता है फ्लेवर को, उसके फ्रेश पन को। तो मैं भी बहुत इंजॉय कर रहा हूँ, होपली आप लोग भी देख के इंजॉय कर रहे होंगे। तो ये जरा टिक्की का मुझे बता दूँ, मैं टिक्की का मंगवाई बहुत जाएंगे, बट ऑयल बहुत ज्यादा है इसमें। आपको पता है लाहौर ही ऐसे ही होते हैं, खाना भी होना चाहिए बस ये नहीं देते इसमें ऑयल है बैठे हैं बस। तो हम अपने मेरी गाय करता हूँ, तो फिर मिलता हूँ आपसे बाद में। तो जी आप यह जा रहा है गाजर का फ्रेश जूस। वाह जी वाह, यम, शक्ल से भी मजेदार लग रहा है जी। तो आज ना बना है दाल गोश्त लोरी स्टाइल में, साथ में वाइट राइस और होममेड अचार है और साथ में पकौड़ियाँ। तो मैं आपको जरा उसका व्यू करा दूं, जरा आप चेक कर लें कैसे हैं। वाइट राइस, दाल गोश्त और ये रहा अचार होममेड। फिर ये बाजार का अचार नहीं है जो गंदा बना से बना होता है। ये चेक करें जरा फ्रेश पकौड़ियाँ, आहा। बस अब मैं इसको फड़काऊंगा और इंजॉय करूंगा।
लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू जी। तो बहुत मजेदार बनी हुई थी दाल और बहुत इंजॉय करके खाया मैंने दाल चावल, और अचार भी बहुत मजेदार था, और पकौड़ियाँ ज़ाहिर है लोरियाँ, लोरियों की जो खुराकें हैं ना वो ऐसी हैं ज़रा चस के साथ खाना खाना। तो होपली कल एक नई वीडियो के साथ आऊँगा फिर, अब चाहूँगा थोड़ा सा रेस्ट करना, तो देखते हैं फिर।